Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां आज किसान आंदोलन का 8 महीने पूरे हुए हैं और यहां पर आज जो किसान संसद की कमान है वो महिलाओं के हाथों में है। हमारे साथ अभी हैं गुलपनाग, जो कि इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं और कई फिल्मों में इन्होंने काम किया और एक्टिविस्ट भी रही हैं। मैम, आज आप यहाँ पे आई हैं इस संसद में, क्या एक्सपीरियंस रहा है जब आप पहली बार पार्लियामेंट के पैरेलल एक पार्लियामेंट चलता देख रही हैं? देखिए, इसके दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि किसानों का मानना है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, और दूसरा कि किस तरह से बिल्स पर चर्चा होनी चाहिए इससे पहले कि वो कानून बनकर पास किए जाएं। तो दोनों चीज़ों का एक उदाहरण है ये और एक प्रतीक है जिसके लिए ये आज प्रोग्राम आयोजित किया गया है। लेकिन आप जब यहाँ पे संसद चला रही हैं तो वहीं कृषि मंत्री जो हैं, जिनसे आपका लगातार इस मुद्दों पे संवाद होना है, वो कहते हैं कि सारा कुछ निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है इसका। देखिए, वो उस वाद में ना पड़ते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये सरकार को अब निर्णय लेना होगा कि क्या वो राज कर रही है लोगों पर, कि क्या वो सरकार सेवा में है जनता के। अगर वो सेवा में है तो फिर आए यहाँ पर बात करें, गृहमंत्री जी आएँ, प्रधानमंत्री जी आएँ, पर अगर वो राज कर रहे हैं तो फिर ये तानाशाही है और अपनी हुकूमत चला रहे हैं तो ये भी फिर निकाह ही दे रहा है सबको। क्या ये संसद तब ज़्यादा बेहतर नहीं चल रहा होता जब वो अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजते, सही में कोई प्रवक्ता यहाँ मंत्री बनकर आते, यहाँ पे लोग सामने उनको घेरते, सामने सवाल जवाब होता, सारी चीज़ें लाइव चलती, डिबेट डिस्कशन की बात करने वाली सरकार। आप तो मतलब यहाँ तो ये सरकार है जहाँ पर मतलब मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ढंग से नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इतने सालों में, तो वो अगर इस तरीके का उदाहरण सेट कर रहे हैं तो बाकी मंत्रियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रधान सेवा कहते हैं अपने आप को, लेकिन जो जनता के सवाल हैं, जो आप जैसे लोग पूछते हैं, आपके बाकी के साथी पूछते हैं, उनका जवाब वो देने को तैयार नहीं है। किस प्रकार के प्रधान सेवक हैं वो? राज कर रहे हैं वो, तो हुकूमत कर रहे हैं हम पर। 4 महीने हो गए, एकदम बिल्कुल भी संवाद दोबारा से शुरू नहीं हो सका। हमेशा बात तो होती है कि आइए हम बात करेंगे, लेकिन बात में फिर वही कंडीशन है कि अमेंडमेंट संशोधन जितना करवा लीजिए, लेकिन मतलब हमेशा एक कंडीशंस के साथ शुरुआत होती है और यही कारण है कि अब किसान नेता भी उनसे इस कंडीशंस के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है इस्टेब्लिश करनी कि जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बिल पास किए गए वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस की वायलेशन थी, नंबर एक। तो जो भी बिल एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की वायलेशन से पास हुए हैं तो उनका नेचुरल कंक्लूजन है कि उन्हें रिपील किया जाए और फ्रेश बिल्स पास किए जाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या स्टेट सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार को कानून बनाने चाहिए या नहीं, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट में है। 7th शेड्यूल जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है, उस लिस्ट के अधीन ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा जोल्ट है कि सरकार तानाशाही से एक तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस ना फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, और दो फेडरल जो स्पिरिट है उसे वायलेट करते हुए स्टेट सब्जेक्ट्स पर लॉ बना रही है। अब बोल रही है कि हमने लॉ तो बना दिया, इसमें कमियाँ ज़रूर हैं, कमियाँ भी मान ली, पर लॉ की फाउंडेशन ही अगर गलत है तो फिर आगे का जो रास्ता है वो उसे रिपील कर फ्रेश लॉज को ड्राफ्ट करना होगा। क्योंकि देखिए, इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि किसान भी कृषि सुधार चाहते हैं। ये जो गेहूं और चावल का साइकिल है पंजाब हरियाणा में, उसे तोड़ना चाहते हैं। पर अगर आपने चर्चा की होती तो शायद आपको मालूम पड़ता कि फार्मर्स की कंसर्न्स क्या हैं। चर्चा तो उन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेज से की है, तो कॉर्पोरेट हाउसेज के कंसर्न्स एड्रेस हो गए हैं, पर फार्मर्स की कंसर्न्स कैसे एड्रेस हुए? मतलब इसमें कोई प्रोविजन नहीं है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की मैंडेट्स की, क्रॉप रोटेशन की मैंडेट्स की। और जैसे मतलब आप सोचिए, पंजाब हरियाणा में चावल उगाया जा रहा है, क्यों उगाया जा रहा है? वहाँ तो हम चावल खाते भी नहीं हैं, मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वो इसीलिए उगाया गया क्योंकि सरकार ने अनुरोध किया था 60s में, जब ग्रेन प्रोडक्शन डेफिसिट थी हमारे देश में, कि आप हाइब्रिड सीड्स अपनाएं, ग्रीन रेवोल्यूशन के नए तरीके तौर तरीके अपनाएं और आप हमें ग्रेन सरप्लस करें। अब देश ग्रेन सरप्लस हो गया, अब लात मार देते हैं पंजाब हरियाणा को। इसीलिए ये मुद्दा पंजाब हरियाणा ने शुरू किया, क्योंकि जो इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लीडर्स हैं वो यही दो
राज्य हैं, तो इनकी लीडरशिप में अगर आंदोलन शुरू नहीं होगा तो कहाँ से शुरू होगा। अब देखिए कितने अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ मौजूद हैं, पर ज़रूर इस बात में कोई शक नहीं है कि जो ये लीडरशिप थी उसका रोल पंजाब हरियाणा के यूनियंस ने किया है, क्योंकि वो ही तो सबसे डेवलप स्टेट्स हैं एग्रीकल्चर के। तीन कृषि कानूनों पे इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, हर पक्ष पे बात हो रही है, आपने इतने अच्छे तरीके से अपने तर्क रखे, फिर भी लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्हें समझ नहीं है इन चीज़ों की, अमेंडमेंट करने के लिए फिर भी सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, स्वीकारिता नहीं है कि हमसे भी गलती हो सकती है। ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो फिर प्रधान सेवा कहना बंद कर देना चाहिए उनको। अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है तो लॉज को रिपील ही करना पड़ेगा। आप नई लॉज बनाइए, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कीजिए, ये कोई तानाशाही थोड़ी ना है, जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, कुछ भी करेंगे आप। आज ये करेंगे आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ तो कल फिर किसी के साथ भी कुछ भी हो जाएगा ना, फिर तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही डेड है। इसका मतलब क्या सरकार ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में वो हमेशा कानून इसी प्रकार से पास करेगी, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को तोड़ मोड़ करके हम कानून पास कर देंगे? क्या ये सरकार का संकेत है? अगर ये सरकार का संकेत है तो किसानों को छोड़ पूरे देश को गंभीर रूप से इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम फिर तो, अगर ये संकेत सरकार का है फिर तो वाकई डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो चोट होती है वो वोट की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ही क्या हार कर ये सरकार आपके लिए कोई खुद से ही रास्ता ढूंढ के दे देगी कि अब तो वो है ही नहीं, अब चीज़ें थोड़ी आपके लिए सही हो जाए। आज से मिशन यूपी और उत्तराखंड लॉन्च हुआ है, हो चुका है लखनऊ में, संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर लीडर्स थे, आपको क्या लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर काम करेगा? देखिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि वो उस मुद्दे पर टिप्पणी देना सिर्फ हमारे जथेदार की पोजीशन है और हमारे आगुओं की पोजीशन है। ये अभिमन्यु जी से आप सवाल पूछिए, पर मैं इस मुद्दे पर जवाब नहीं दूंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये एक बड़ा फैक्टर, अगर प्रयास ये हो रहा है तो जाहिर तौर पे अगर आप पीछे ढकेलने में कामयाब रहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, तो क्या कुछ कंक्लूजन इसका? देखिए मैं इस पर कमेंट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चे की एक वॉलंटियर की हैसियत में हूँ, और छोटा मोह बड़ी बात होगी अगर मैं इलेक्टोरल प्रोसेस पर आगे जाकर बात करना शुरू कर दूँ। तो ये थी हमारे साथ गुलपनाग, उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने भी तर्क हैं कृषि कानून के वो उन्होंने गिनाए और कहा कि जिस गलत तरीके से संसद में यह बिल पास हुआ है, सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए वो इसे रिपील करे। और आज जिस तरीके से यूपी और उत्तराखंड में एंटी बीजेपी कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं द्वारा, उस पर इन्होंने कोई भी टिप्पणी देने से मना किया है। तो हम मुझे स्टोरी के लिए, मैं ऋषिकेश, जंतर मंतर, दिल्ली से। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मुझे स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।